हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द कोल्ड क्रीम सो दिस इज अवर पार्ट थ्री वीडियो लेक्चर ऑन ए कॉस्मेटिक्स प्रिपेसन एंड इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कोल्ड क्रीम सो कोल्ड क्रीम उसके टाइप्स इन्ग्रेडियंट्स रोल ऑफ इंग्रेडियंट्स उसके प्रिपरेशंस यूज इवेल्यूशन पैरामीटर स्टोरेज कंडीशन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन स्टार्ट इन दिस लेक्स मोबाइल एप्लीकेशन इज नाउ अवेलेबल सो यू कैन यूज द फार्मारॉक्स एप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले फॉर टेस्ट सीरीज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन नाइन जीरो टू जीरो सो स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज आर अवेलेबल ऑन फार्मारोक्स एप डाउनलोड दमरॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले For more such educational videos related to pharmacy, subscribe this channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRox. So our today's topic in the lecture is a cream. So creams are defined as a semi-solid dosage form containing one or more drug substance, dissolve or dispersed in a suitable base, which used as a emollient. सो so, क्रीम की हम डेफिनेशन देखें कि जो हम अलग अलग क्रीम्स यूज करते हैं तो व्हाट इज क्रीम तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर टोटल तीन टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं एक होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म कि जिसके अंदर टैबलेट है कैप्सूल है जितने भी सॉलिड है डोजेस फॉर्म वो सब इंक्लूड्स है फिर दूसरा है लिक्विड डोजेस फॉर्म कि लिक्विड डोजिस फॉर्म में हम देखते हैं कि जितने भी अलग अलग सॉल्यूशंस है ओके okay, मोनोफेजिक या फिर बायोफिजिक्स जितने भी सॉल्यूशन सस्पेंशन इमल्शन से सब लिक्विड डोसेज फॉर्म है आल्सो द सिरप और लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो प्रॉपर्टी बनती है वो है सेमी सॉलिड तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड ऑन दिस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन एंड दैट इज ए क्रीम तो क्रीम जो है वो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है कि जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ मिक्सअप किए जाते हैं बाय वेरियस सुटेबल टेक्निक्स और उसका जो मेन यूज है एज एन इमोलियंट की इमोलियंट प्रॉपर्टी इमोलियंट वर्ड का मतलब होता है टू प्रोवाइड द सो दीज आर द सॉलिड और सेमी सॉलिड प्रिपेरेशन विच इज आइदर ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन अज प्रिपेरेश फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन तो जो कॉस्मेटिक्स प्रिपेरेशन के बारे में समझो कि क्वेश्चन आए और आपको शॉर्ट नॉट लिखने के डिवाइड नोट ऑन कॉस्मेटिक्स फॉर स्किन कॉस्मेटिक्स फॉर स्किन तो उसके अंदर यह है एक सबसे पहले क्रीम की जितनी भी क्रीम से वो सब है कॉस्मेटिक्स प्रिपेरेशन फॉर द स्किन वो दो टाइप के इमलशन में है ऑयल इन वॉटर या फिर वॉटर इन ऑयल टाइप के इमल्सन क्रीम्स फॉर एप्लीकेशंस टू म्यूकस मेमब्रेन ऑफ़ दो रेक्टम और वजाइना आर ऑल्सो यूज सो जो अलग अलग मेडिकेशनल क्रीम्स होती है कि जो वजाइनल रेक्टम रूट के लिए भी यूज होती है टू ट्रीटमेंट ऑफ ए वेरियस डिसीज एंड डिसडर्स एंड दूसरी जो नंबर ऑफ कॉस्मेटिक्स क्रीम हम देखते हैं कि जो स्पेशली हमारे म्यूकस मेमब्रेन पर अप्लाई की जाती है ऑफ ए स्किन तो दिस इज रिगार्डिंग द बेसिक ऑफ ए क्रीम अब जानते हैं अलग अलग टाइप्स कितने टाइप्स की क्रीम होती है तो एक होती है क्लिनजिंग क्रीम की जो क्लिंजिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है फिर है कोल्ड क्रीम नाइट क्रीम्स कि जो रात के वक्त यूजली लगाई जाती है कि समझो कि, कि किसी ने मेकअप किया है तो मेकअप रिमूव करने के बाद जो है वो रात को सोने से पहले नाइट क्रीम से अप्लाई की जाती है देन ऑल्सो द मॉइस्चराइजिंग क्रीम फिर फाउंडेशन क्रीम कि जो मेकअप को लंबे समय के तक स्किन ऊपर होल्ड करने के लिए लगाई जाती है कोल्ड क्रीम स्पेशली हम विंटर सीजन के अंदर यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आवर ड्राई स्किन कि जब स्किन ड्राई होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कोल्ड क्रीम यूज करते हैं क्लिनजिंग क्रीम जो है वो अलग अलग क्लिंजिंग पर्पज के लिए यूज़ की जाती है आफ्टर दैट वैनिसिंग क्रीम वो भी एक स्किन को वेनिस करती है एक ऐसा लेयर बनाती है इनविजिबल कि जिसके ऊपर मेकअप को लगाया जाता है उसके बाद ऑल की जिसको स्कीम मल्टीपर्पज क्रीम भी कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने टीवी एडवर्टाइज में देखा होगा कि विको ओके विको की जो विको टर्मेरिक जो क्रीम आती है ओके इट इज ए मल्टीपर्पज या फिर ऑल पर्पज स्कीम का एक टाइप का एग्जाम्पल है कि वो सभी टाइप के अंदर वो यूज की जाती है आफ्टर दैट इट इज ए मसाज क्रीम कि जो स्किन पे मसाज करने के लिए जो है वो क्रीम यूज की जाती है तो सभी क्रीम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन अलग अलग पार्ट्स ऑफ अ कॉस्मेटिक्स वीडियो लेक्चर सो आज का हमारा मेन टॉपिक है क्लिंजिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम तो क्लिंजिंग क्रीम का ही एक पार्ट है कोल्ड क्रीम तो क्लिनजिंग क्रीम की जरूरत क्यों होती है तो क्लिंजिंग क्रीम इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ फेसियल मेकअप सरफेस ग्राइम ऑयल वाटर एंड ऑयल सोल्यूबल सॉइल एफिशिएंटली मेनली फ्रॉम द फेस एंड थ्रोट क्लिनिंग मतलब कि समझो कि पूरा दिन आपने बाहर काम किया है ओके सो घर से बाहर आप जब निकलते तो समझो कि फेस पर आपने मेकअप किया हुआ है देन फेस uh, पे अलग अलग डर्ट्स जमा होने के चांसेस है कि लाइक डस्ट ओके ऑल्सो ड्यू टू पॉल्यूशन तो जो स्किन ऊपर अलग अलग लेयर बनते हैं पूरे दिन में तो उसको अच्छे से रिमूव करने के लिए हम ये इस टाइप के क्लिनजिंग क्रीम यूज़ करते हैं स्पेशली फॉर द फेस एंड थ्रॉट कि जो हमारा जो गले का बाग है कि जिसको हम नेक का पोर्सन भी कह सकते हैं एंड ऑल्सो द फेस तो दोनों को अच्छे से क्लीन करने के लिए क्लजिंग क्रीम जो है वो यूज़ की जाती है क्रीम आर मॉडर्न डेज फेसिस क्लीनिंग प्रोडक्ट दैट आर यूज बाई पीपल टू क्लीन द फेस ऑफ मेकअप एंड द डस्ट बिफोर गोइंग टू बेड सो रात को सोने से पहले जो मेकअप लगाया हुआ है उसको रिमूव करके अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए एज वेल एज जो हमने बात की पॉल्यूशन डस्ट के कारण जो चेहरा पूरा दिन खराब होता है तो सोने से पहले इस तरह से क्लीनिंग के लिए स्पेशली फॉर द फेस ये क्लेंसिंग क्रीम्स जो है वो यूज की जाती है द लेयर्स ऑफ मेकअप मेकअप डस्ट एज लेयर ऑन द फेस एंड प्रिवेंट द स्किन फ्रॉम ब्रीथिंग दिस में लीड टू ब्रिंकल्स एंड डलनेस अब क्या होता है कि समझो कि आप आपकी जो स्किन है उसकी अच्छे से केयर नहीं करते तो क्या होगा जब पूरा दिन का पसीना जमा होता है उस पर समझो कि डस्ट के लेयर बनते हैं फिर आपने मेकअप भी किया हुआ है पॉल्यूशन से तो सभी के कारण क्या होता है जो हमारे स्किन के जो अलग अलग पोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं ब्लॉक होते हैं और जिसके कारण जो स्किन हमारी ब्रीथिंग करती है वो क्या हो जाती है रिड्यूस होता है और जिसके कारण जो स्किन के अलग अलग सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलना या फिर उनको जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो मिलना कम हो जाता है जिसके कारण क्या होते हैं फिर पड़ते हैं चेहरे पे और फिर धीरे धीरे डलनेस दिखती है तो वो सब ना हो इसलिए ये जरूरी होता है टू यूज दिस टाइप ऑफ क्लिनिंग क्रीम सो विच आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्लिनिंग क्रीम बी एबल टू एफिस रिमूव ऑयल सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल सॉइल सरफेस ऑयल फ्रॉम द स्किन तो समझो कि पूरा दिन काम करने के बाद बाहर आप रहते हो ओके okay, तो स्किन ऊपर जो भी अलग अलग वाटर सोल्यूबल या फिर ऑयल सोल्यूबल जो अलग अलग डर्ट रहती है तो सभी को वो अच्छे से रिमूव करना चाहिए उसके बाद शुड बी स्टेबल एंड हैव ए गुड अपियरेंस ओके अच्छे से स्टेबल होनी चाहिए एंड उसका अपियरेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए देन विद नो एनी टॉक्सिसिटी शुड मेल्ट और सॉफ्टन ऑन दिस एप्लीकेशंस टू द स्किन शुड स्प्रेड इजिली विदाउट टू मच ड्रैग फिर वाटर सोलिबल जो डर्ट होते हैं उसके कारण ये जो पोर होते हैं हमारे स्किन के क्या होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं तो आपकी क्लिंजिंग क्रीम ऐसी होनी चाहिए कि जो वो पोरस को जो है वो ओपन कर दे इजीली एंड जिसके कारण स्किन अच्छे से ब्रेथ कर सके एंड जो है वो उसकी मेन इलास्टिसिटी अच्छे से मेंटेन रहे एंड उसको ब्रिंकल्स ना पड़े और डलनेस ना हो सो टाइप ऑफ क्लिनिंग क्रीम एक होती है एंड एनहाइड्रस टाइप के जिसके अंदर क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन ऑयल एंड वैक्स होते हैं इट ऑल्सो कंटेन सिटेल एल्कोहल स्पर्मा सिटी बटर फैटी एसिड एस्टर्स एक्सेट्रा बट ये जो टाइप की जो क्रीम्स है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई ओके okay? और उसके इंग्रेडियंटल फॉर्मूला था, था पेट्रोलियम परफ्यूम्स बट जो सबसे ज्यादा फेमस हुई क्लिंजिंग क्रीम वगैरह के अंदर वो है हमारी कोल्ड क्रीम ओके okay? कोल्ड क्रीम जो है वो यूज होती है टू ट्रीट द ड्राई स्किन एंड फॉर अ एज अ स्किन मॉइस्चराइजर तो ये है एक इमलसीफाइंग टाइप की क्रीम वो हम आगे पढ़ते हैं इन लेक्चर सो so, टाइप ऑफ क्लिनजिंग क्रीम फॉर्मेशन क्रस्टी सर्फेस इज एवोटेड बाई एडिंग ओजेकोराइड एंड पेट्रोलैक्टम दे प्रिवेंट द ब्लीडिंग ऑफ मिनरल ऑयल्स जो हमने आगे क्लिनजिंग क्रीम की जो फॉर्मुला देखी उसके इंग्रेडियंट का रोल देखते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ क्रस्टी सरफेस इज एवॉडेड बाय एडिंग ऑजेकेराइट एंड पेट्रोलियम सॉरी दे प्रिवेंट द ब्लीडिंग ऑफ मिनरल की जो मिक्सिंग में हम यूज करते हैं देन ओपा कैरेक्टर्स सॉफ्ट बाय एडिंग जेड एन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नेशियम स्टीएराट ऑल्सो द टू टिटोनियम डाइऑक्साइड तो ये होगा जो नॉर्मल एनहाइड्रस टाइप की जो क्लिनजिंग क्रीम थी ओके okay, वो अभी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है मार्केट के अंदर बट जो इमल्सीफाइड टाइप की क्रीम्स है ओके okay, कि दे आर आदर ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर एक ऑयल फेज होता है कि जो इजीली आपके चेहरे पे स्प्रेड हो जाता है वैक्स की जो प्रोवाइड करता है थिक्सोट्रॉपी मतलब कि अच्छे से ऑयल है तो ऑयल जो है कैसा है उसकी विस्कोसिटी बहुत ही मतलब कि वो विस्कस है ओके बट हमें कैसी प्रॉपर्टी चाहिए ट्रॉपिक मतलब कि हमारी जो कोल्ड क्रीम है वो बननी चाहिए सेमी सॉलिड तो सेमी सॉलिड मास प्रोवाइड करने के लिए और ट्रॉपिक बिहेवियर प्रोवाइड करने के लिए हम उसके अंदर मिक्स करते हैं वैक्स उसके बाद इमोलियंट मटेरियल लाइक सीटाइल अल्कोहल स्पर्मासेटी लिनोलिन के जो प्रोवाइड करते हैं मॉइस्चर एंड लास्ट में इमल्सिफायर जो बनाने के लिए कि ऑयल है वैक्स है इमोलियंट मटेरियल्स को सभी को अच्छे से मिक्स करने के लिए इमल्सिफाई करने के लिए इमल्सीफायर के तौर पे यूज होता है बोरेक्स एंड लास्ट में आप वाटर फेज है प्रिजर्वेटिव वगैरह मिक्स करते हैं टू प्रिवेंट दैट प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम कि वाटर फेज तो उसका मेन एक वहीकल के तौर पर एड किया जाता है और प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ की जो माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो उसके लिए हम मिक्स करते हैं इस टाइप के अलग अलग प्रिजर्वेटिव सो शुरुआत करते हैं कोल्ड क्रीम की अब डिटेल में ओके सो कोल्ड क्रीम के बारे में स्टार्ट करने से पहले जो हमने आगे देखा वो बेसिक नॉलेज आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द क्रीम्स तो कोल्ड क्रीम तो कोल्ड क्रीम का जो नाम ही है कि कोल्ड प्लस क्रीम तो ऐसी क्रीम की जो प्रोवाइड करती है आपको कूलिंग इफेक्ट सो कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द स्लो इवापोरेशन ऑफ वाटर कंटेन इन द फॉर्मेशन तो हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा कि वाटर जो है वो ऐड किया जाता है और वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो हो सकता है इवापोरेशन ओके okay? तो अब एक और लॉजिक आप समझो कि दो इंग्रेडिएंट है आपके पास कोल्ड क्रीम के अंदर बेसिक तो एक होता है वाटर ओके वाटर फेस और दूसरा होता है ऑयल फेस बिकॉज कोल्ड क्रीम है एक टाइप की ओके? Okay? तो जब इमल्सन बनता है तो उसके लिए दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वाटर एंड ऑयल तो वाटर और ऑयल के अंदर जो इवापोरेशन रेट है वो सबसे ज्यादा है वाटर का तो सबसे पहले वाटर जो है वो इवापोरेट होगा एंड उसके बाद जो है वो uh, ऑयल तो ऑयल का इवापोरेशन रेट बहुत ही कम है तो वो क्या करेगा वो स्किन पे एक अच्छा सा लेयर तैयार करेगा कि जो प्रोवाइड करेगा मॉइस्चर सो so, जब वाटर स्लोली इवापोरेट होता है तो आपको स्किन ऊपर मिलती है कूलिंग इफेक्ट जिसके कारण ये जो क्रीम है उसको हम कहते हैं कोल्ड क्रीम सो दीज आर वाटर इन ऑयल टाइप तो ये कैसे याद रखोगे तो आपको स्पेलिंग लिखना है कोल्ड से और यहाँ पे लिखो W O W O, ओके okay? सो so, ये वाले जो दो O एक दूसरे के साथ मैच हो जाते हैं सेकंड वन तो ये फर्स्ट दिस इज सेकंड ऐसे ही फर्स्ट सेकंड ओ तो जिसमें सेकंड ओ आता है तो वो हो गई कोल्ड क्रीम इट इज ए वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन ओके फिर से एक बार इजीली समझो कि ये क्रीम के अंदर वाटर को ऐड किया जाता है इन ऑयल इसी के लिए उसको कहा जाता है वाटर इन ऑयल इमल्सन के आगे हम प्रिपेरेशन में देखेंगे कि जो वाटर वाला जो पोर्शन है हम मिक्स करेंगे इन ए ऑयल टू प्रिपेयर दिस कोल्ड क्रीम इसके लिए उसको कहा जाता है वाटर इन ए ऑयल टाइप इमल्सन यूज फॉर मॉइस्चराइज क्रीम यूज टू ट्रीट द ड्राई स्किन कि मेनली ये पता है कि जो हम कोल्ड क्रीम यूज करते हैं उसका रीजन होता है यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई स्किन और अभी जो मॉडर्न लाइफ है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोल्ड क्रीम सिर्फ विंटर सीजन में ही यूज की जाती है ऑल्सो यूज एज ए कि समझो कि रात को सोने से पहले कई बार मेकअप वगैरह किया हो तो आप अच्छे से सबसे पहले आप आपके फेस को फेस वॉश से अच्छे से वॉश करने के बाद रात को जो है वो कोल्ड क्रीम से अच्छे से मसाज करके फिर जो है वो यूजअली uh, लोग सोते हैं टू केयर द स्किन कि जो स्किन की केयर करने के लिए भी ये यूजली अब मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर कोल्ड क्रीम जो है वो यूजअली यूज होने लगी है वाइडली यूज इन ए विंटर सीजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई स्किन सो कोल्ड क्रीम इज ए क्रीम विच इज अप्लाइड इन ए रफ स्किन टू मेक इट स्मूथ एंड प्रोटेक्ट द मॉइस्चर ऑफ द स्किन तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका मेन बेसिक यूज है कोल्ड क्रीम का कि अप्लाइड इन द रफ स्किन और स्किन कब होती है कि जब होती है मेनली सीजन विंटर की विंटर के सीजन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर बहुत ही कम होता है प्लस होती है साथ में ठंड की जिसको हम कहते हैं कोल्ड वेदर एकदम रहता है कोल्ड तो उस वक्त आपकी स्किन के ट्रीटमेंट करने के लिए जो रफ स्किन हो जाती है उसको स्मूथ करने के लिए एंड प्रोटेक्ट द द मॉइस्चर ऑफ स्किन तो इसके लिए हम यूज करते हैं कोल्ड क्रीम तो कोल्ड क्रीम के अंदर क्या होगा कि कि समझो ये है आपका स्किन का एक लेयर ओके okay? तो सबसे पहले क्या होगा कि वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा जब आप जो है वो क्रीम अप्लाई करते हैं तो वाटर का हो जाएगा इवेपोरेशन ओके okay? तो स्लोली इवापोरेट होगा तो आपकी स्किन ऊपर कूलिंग इफेक्ट होगी फिर क्या होगा ये जो कोल्ड क्रीम के अंदर का जो ऑयल है वो आपकी स्किन ऊपर इस तरह से बनाएगा एक प्रोटेक्टिंग लेयर और वो प्रोटेक्टिंग लेयर क्या करेगा कि आपके स्किन के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको बॉडी में से बाहर आने से क्या करेगा प्रिवेंट तो मॉइस्चर बाहर नहीं आएगा तो आपकी स्किन जो है उसका मॉइस्चर जो है प्रोटेक्ट रहेगा कि जिसके कारण जो हमारी स्किन बनती है फिर सॉफ्ट ओके okay? कि प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर जरूरी है स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए तो वो काम करेगी हमारी कोल्ड क्रीम कोल्ड क्रीम वर्ड मीनिंग इट्स नेम बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग दिस कोल्ड क्रीम इट प्रोड्यूस द सम कूलिंग सेंसेशन कि जो हमने बात की इवापोरेशन होता है वाटर का जिसके कारण आपको कूलिंग सेंसेशन मिलता है ड्यूरिंग विंटर सेसन the cold air make our skin dry enough to cause irritation and itching along with the mild skin uh, rupturing to prevent this undesirable effect of winter season we apply the cold cream so maine jo easy simple language mein aapko samjhaya hindi ke andar ki जब हमारे स्किन ड्राई हो जाती है विंटर सीजन के अंदर स्किन का माइल्ड रैप्चरिंग होता है कट्स पड़ते हैं उसके अंदर रफ हो जाती है तो ये undesirable effect को प्रिवेंट करने के लिए हम विंटर के सेशन में सीजन के अंदर स्पेशली प्रॉपर्टी इन ए कोल्ड क्रीम सॉल्वेंट एक्शन ऑफ द ऑयल एक्सटर्नल फेज है इन दिस टाइप ऑफ क्रीम बोरेक्स रिएक्ट फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन द बीजैक्स एंड प्रोड्यूस दोप्ड सॉफ्ट विच एक्ट एज द इमल्सिफाइंग एजेंट एंड इमलिफाई दीपेट की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि व्हाट इज द रोल ऑफ बोरैक्स इन ए कोल्ड क्रीम कोल्ड क्रीम के अंदर जो बोरेक्स है उसका रोल क्या है तो एक है इमल्सिफाइंग एजेंट वो काम कैसे करता है तो बोरेक्स रिएक्शन करता है जो फैटी एसिड है उसके साथ कि जो प्रेजेंट है बीज वैक्स के अंदर और बनाता है एक सॉफ्ट सॉफ्ट और वो रिएक्ट करता है एस एमलिफाइंग एजेंट मतलब कि ये इसका काम इन सीटू टू ओके इन सीटू इमल्सिफायर की जो हम आगे रोल ऑफ इंग्रेडिएंट में डिटेल में देखने वाले हैं सो दिस कंटेंट द हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल ऑयल दिस आर ऑयल एंड वाटर टाइप सबसे पहले कैसे होते हैं ऑयल इन वाटर टाइप दिस क्रीम कंटेंट हाई अमाउंट ऑफ मिनरल ऑयल फॉर क्लिनिंग एक्शन बेसिकलीज आर ऑयल इन वाटर टाइप हिमलसन आफ्टर द क्रीम इज बींग रब इन टू द स्किन सफिस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यू इम्पार्ट अ फेज इन्वर्जन टू वॉटर इन ऑयल टाइप मतलब कि सबसे पहले यह क्रीम जो होती है वो है ऑयल इन वॉटर टाइप होती है बट जब आप उसको आपकी स्किन ऊपर अप्लाई करते हैं विथ रबिंग वाटर तो हो जाता है इवापोरेट और ऑयल इन वाटर जो क्रीम है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर इन ऑयल के अंदर ड्यू टू द फेज इनवर्जन ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो इमर्शन के अंदर फेज इन्वर्जन होता है ये पाया जाता है इन कोल्ड क्रीम सो वॉट इज द मेकेनिज्म ऑफ दिस कोल्ड क्रीम द कोल्ड क्रीम प्रोवाइड्स ए फिल्म और बेरियर ओवर द स्किन एंड प्रोटेक्ट इट्स मॉइस्चर इट मेंटेन द नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन ओके जो अभी हमने बात की कि जो स्किन ऊपर एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर बना कर देती है क्रीम कि जिससे क्या होता है स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो अच्छे से मेंटेन होती है ओके okay? एंड एक फिल्म और बैरियर बन जाता है कि जो हमारे स्किन का अंदर का मॉइस्चर है वो बाहर नहीं निकलता और जिसके कारण प्रोटेक्ट होता है मॉइस्चर और जैसे ही मॉइस्चर प्रोटेक्ट होगा तो उसके कारण स्किन जो है वो रहेगी सॉफ्ट ओके प्लस उसके अंदर मेंटेन रहेगी ये इलास्टिसिटी तो इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी सॉफ्ट रहेगी स्किन तो वो जो है उसके अंदर रिंकल जो है वो कम पड़ेंगे एंड जो इचिंग वगैरह होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी मेकिंग कोल्ड क्रीम एज इजी टू प्रोसेस इन फार्मसी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू द कोल्ड क्रीम प्रिपेरेशन कंटेन इंग्रेडिएंट्स लाइक बीज वैक्स लिक्विड पैराफिन कोकोनट ऑयल आलमंड ऑयल बोरेक्स मिथाइल पैराबेन रोज ऑयल एंड अदर परफ्यूम्स सो सिंपली आप जो प्रैक्टिकल के अंदर बनाते हो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर ऑल्सो इन फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी प्रैक्टिस वगैरह के अंदर डिप्लोमा फार्मेसी के स्टूडेंट हो या फिर बी फार्म के स्टूडेंट हो या फिर आप फार्मडी कर रहे हैं तो सभी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर या फिर फाइनल ईयर के अंदर कोल्ड क्रीम की प्रिपरेशनस आती है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उसके अंदर कोल्ड क्रीम के प्रिपरेशनस होती है विद प्रॉपर इवेल्यूशन पैरामीटर की आपको उसको बना के इवैल्यूएट भी करना होता है सो कोल्ड क्रीम की जो फार्मूला है किस तरह से आप यूजअली प्रैक्टिकल के अंदर आपने देखा होगा कि चाइना डिश के अंदर आप कोल्ड क्रीम बनाते हैं तो सिंपल एक बेसिक फार्मूला ले तो उसके अंदर बीज़वैक्स आप ले सकते हो 2 ग्राम बोरेक्स सेम इन टू ग्राम आलमंड ऑयल आप लेते हो फिफ्टी ग्राम रोज वाटर है आपके पास थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ग्राम लिनो है पॉइंट फाइव ग्राम एंड प्रिजर्वेटिव इन परफ्यूम इन ए क्वालिटी सफिसियंट सॉरी क्वान्टिटी सफिसियन की जितने आपको सफिशेंट क्वान्टिटी में एड करने हैं वो एड कर सकते हैं सो दिस इज द बेसिक सिंपल फॉर्मूला ऑफ एनी कोल्ड क्रीम अब जान लेते हैं सभी इंग्रेडिएंट्स के रोल तो बिजवैक्स टू मेक द क्रीम बेस ओके कि जो बोरेक्स जो है वो एक फैटी एसिड जो है बेजवैक्स के साथ उसके अंदर उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है एक सॉफ्ट सोप और ये जो सॉफ्ट सोप बनता है वो रिएक्ट करता है एज अ इमल्सिफायर तो बोरेक्स का रोल है एज अ इंसिट इमल्सिफायर और बिजवैक्स एज अ क्रीम बेस आलमंड ऑयल उसका भी एक रोल है टू मेक ए क्रीम बेस रोज वाटर एडेड एज अ परफ्यूम लिनोलिन की जो प्रोवाइड करता है इमोलियन प्रॉपर्टी एंड मिथाइल और प्रोपाइल बेराबिन का जो रोल है एज अ प्रिजर्वेटिव जो माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो आपकी प्रिपेरेशन के अंदर उसके लिए हम ऐड करेंगे प्रिजर्वेटिव सो कोल्ड क्रीम की जो प्रिपेरेशन हम हम देखते हैं कि कैसे आप कोल्ड क्रीम बनाओगे तो इन प्रोसेस ऑफ कोल्ड क्रीम प्रिपेरेशन फर्स्ट टेक गिवन क्वांटिटी ऑफ बिजवैक्स इन टू द चाइना डिस देन अ लिक्विड पेराफिन और अदर कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल आर मिक्स एंड हीट इट ऑन अ वाटर बाथ सिंपली समझो इस तरह से आपने ये चाइना डिस ली है ओके इसके अंदर आपने ये मिक्स एड किया आपका बिजवैक्स इसी के अंदर आप मिक्स करोगे आपका ऑयल क्या आपके जो भी ऑयल है कि आपने कोकोनट ऑयल लिया है लिक्विड पैराफिन है या फिर आपके पास है आलमंड ऑयल उसको इसके अंदर मिक्स करके अब पता है कि जो वैक्स है वो कैसा रहेगा उस वक्त सॉलिड होगा ओके और आपका जो ऑयल है वो है लिक्विड तो अब आपको क्या करना है दोनों को सेम टेम्परेचर पर लाने के लिए अब आप उसको वाटर बाथ के ऊपर कि समझो कि आप इस तरह से नॉर्मल ये वाटर बाथ तैयार करते हो ओके okay, कि पानी भरा है इस तरह से कोई एक बीकर के अंदर और उसके अंदर ये आप आपके चाइना डिश रख के फिर नीचे बर्नर लगा के जो है वो गर्म कर सकते हैं या फिर जो नॉर्मल वाटर बाथ आते हैं हीटिंग वाटर बाथ उसके ऊपर रख के भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं अब आप क्या करते हो बीज वैक्स इज ए सॉलिड एंड पैराफिन इज ए लिक्विड कंडीशन सो मेक देम सोल्यूसबल वी हैव टू हीट बोथ ऑफ देम heat them at around 70 degrees celsius do this process carefully in a china dish okay so jo humne ye pura mass taiyar kiya usko hum 70 degree celsius pe ab heat karenge to ye ho gaya hamara first ek oil phase taiyar ho gaya okay कि जो china dish के अंदर हमारा तैयार हो गया है oil phase. अब emulsion बनाने के लिए जरूरी है एक दूसरा water phase. तो जो हमारा वाटर फेस तैयार होगा वो होगा बाय डिसॉल्विंग द बोरेक्स इन ए वाटर सो मेक ए सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इन ए वाटर नाउ ऐड दिस सॉल्यूशन इन टू चाइना डिस ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ प्रॉपर स्टरिंग इन ए सेम डायरेक्शन टिल मिल्की वाइट सेमी कोल्ड क्रीम इज प्रोड्यूस ओके तो आपने बोरेक्स को सॉल्व सोल्यूबल कर दिया दूसरे बीकर के अंदर वाटर के अंदर अब आप क्या करोगे आपके पास ये मेल्ट किया हुआ ऑलरेडी था बीजवैक्स प्लस मिनरल ऑयल साथ में आपने रखा है ये ग्लास रोड और अब आप क्या कर रहे हो इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप ओके ड्रॉप वाइज ऐड करते हो बोरेक्स सॉल्यूशन तो उसके कारण क्या होगा जैसे जैसे आप ग्लास रोड से इसको अच्छे से सेम डायरेक्शन में इस तरह से मिक्स करते जाओगे स्टरिंग करते जाओगे इन सेम डायरेक्शन कि ये एक डायरेक्शन पकड़ी है तो एक ही डायरेक्शन में आप वैसे जो है वो स्टर करते जाओगे तो ऐसे एक समय ऐसा आएगा मिल्की वाइट सेमी सॉलिड मास कि जो हम ये यहाँ पे देख सकते हैं कि मिल्की वाइट कलर का आपको एक सेमी सॉलिड मास बना हुआ मिल रहा है और वो है आपकी कोल्ड क्रीम अब कोल्ड क्रीम के अंदर आप मिक्स कर सकते हो आपके प्रिजर्वेटिव परफ्यूम और उसको अच्छे से कर दीजिए स्टोर तो ये हो गई आपकी कोल्ड क्रीम तैयार अब कोल्ड क्रीम के यूज क्या है तो कोल्ड क्रीम इज एज एन ये आपके लिए सबसे बड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कोल्ड क्रीम तो आपको ये वर्ड याद रखना है इमोलियंट तो उसका मीनिंग जानते हैं आप तो इमोलियंट मतलब यूज एज ए मॉइस्चराइजर टू ट्रीट और प्रिवेंट द ड्राई स्किन टू ड्राई रफ स्केली स्किन एंड माइनर स्किन इरिटेशन। तो इमोलियंट का मतलब होता है कि प्रिवेंट करना द रफ, स्केली, एंड माइनर स्किन और ये सब होते हैं मेनली इन ए विंटर सीजन ओके ऑल्सो इट इज अकर्स ड्यू टू द डेली रूटीन लाइफ स्टाइल ओके कई बार जो समझो कि आप मेकअप लगाते हो आपके चेहरे पे, ओके okay? प्लस आपका बाहर घूमना होता है तो जिसके कारण आपके चेहरे पे डस्ट का लेयर बनने का चांसेस है प्लस अलग अलग जो डर्ट होते हैं पॉल्यूशंस के वो सब स्किन ऊपर जमा होके एक बनाते हैं लेयर तो उसको क्लीन करने के लिए भी हम कोल्ड क्रीम यूज़ करते हैं और रात को सोने से पहले कोल्ड क्रीम लगाने से जो स्किन है उसका अच्छे से हो जाता है रिपेयर then uh, disappear rashes skin burn from radiation therapy की समझो कि किसी ने radiation therapy ली है तो उसके कारण जो skin burn होती है rashes होती है उसको disappear करने के लिए भी cold cream use करते हैं हम कि जो है उसकी emollient action and emollients are the substance that soften and moisturize the skin and decrease the itching and flaking तो ये आपको लिखना है regarding the emollient सो so, अब जानते हैं रिगार्डिंग द स्टोरेज कंडीशन तो सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोर इन ए वेल क्लोज कंटेनर एट टेम्परेचर नॉट एक्सीड एक्सीड्स 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 25 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में आपको कोल्ड क्रीम को कभी भी स्टोर नहीं करना है बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपकी क्रीम जो है वो कंटेनर में ही उसका हो जाएगा फेज इन्वर्जन ओके बिकॉज एक टाइप का ये है इमल्सन और इमल्सन को जब हायर टेम्परेचर पे हम ले जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है उसके अंदर फेज इन्वर्जन की ऑयल और वाटर या फिर उसके अंदर से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा वाटर अलग हो जाएगा और धीरे धीरे फिर आपकी क्रीम जो है वो ड्राई हो जाएगी सो स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस प्रिवेंटेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट फॉर एक्सटर्नल यूज ऑनली एंड डू नॉट फ्रीज इन ए फ्रीजर तो ये है आपकी मेन स्टोरेज कंडीशन कि आपको उसको फ्रीजर में नहीं रखना है नॉर्मल आप रख सकते हो फ्रीज रेफ्रिजरेटर के अंदर बट उसको फ्रीजर में नहीं रखना है कि जो डीप फ्रीज हो होता है कि जिसका टेम्परेचर जीरो से लेकर माइनस के अंदर होता है तो वहाँ पे आपको ये कोल्ड क्रीम नहीं रखनी है सनलाइट से उसको प्रोटेक्ट करना है कूल एंड ड्राई प्लेस के अंदर रखना है एंड यूज़ करनी है सिर्फ एक्सटर्नली ओके okay? सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ही है इंटरनल यूज के लिए ये नहीं है और ये आपके लिए है मेन पिन पॉइंट स्टोर इन ए वेल क्लोज कंटेनर एट टेम्परेचर डू नॉट एग्जिट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस सो वॉट इज द लेबलिंग ऑफ कोल्ड क्रीम अब आप, आप समझो कि उसको लेबल करती हो तो उसके अंदर आपको जरूरी है लिखना नेम ऑफ द इंग्रीडियंट्स फिर क्वॉंटिटी आप उसके लिख सकते हो मिलीग्राम के अंदर ग्राम या फिर परसेंटेज तीनों तौर पे आप मेंशन कर सकते हो फिर उसका नेट कंटेंट समझो कि नेट कंटेंट है आपका पचास ग्राम तो ये नेट कंटेंट लिखना जरूरी है ट्वेंटी ग्राम है या फिर थर्टी ग्राम हंड्रेड ग्राम जो भी आपकी नेट क्वांटिटी है वो लिखना जरूरी है ऑन द लेबल ऑल्सो द बैच नंबर मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चर्ड बाय मार्केटेड बाय स्टोरेज कंडीशन डायरेक्शन मतलब कि कैसे यूज करनी है स्पेशल इंस्ट्रक्शन in अगर कोई है तो एंड लास्ट में उसकी प्राइस मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको उसकी मेंशन करी रहती है तो दिस इज रिगार्डिंग द कोल्ड क्रीम लेबलिंग अब जरूरी है उसका इवेल्युएसन सो कोल्ड क्रीम की सबसे पहले जरूरी होती है चेक करना उसकी कंसिस्टेंसी मेन उसका इवेल्यूशन पैरामीटर है टू तो चेक इट्स कंसिस्टेंसी बिकॉज जब भी हम कोल्ड क्रीम अप्लाई करते हैं तो उससे एक अच्छी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए विस्कोसिटी होनी चाहिए प्रॉपर होना चाहिए उसका सेमी सॉलिड मास ओके ये खास इंपॉर्टेंट है सेमी सॉलिड मास कि हमने दो इंग्रेडिएंट यूज किया थे एक तो वैक्स कि जो था सॉलिड वैक्स कैसा था सॉलिड था और ऑयल था लिक्विडोजार्म तो ऑयल एक सॉलिड और लिक्विड दोनों को आपने मिक्स किया है तो जरूर बनना चाहिए आपका एक अच्छा सा सेमी सॉलिड मास इसके लिए जरूरी है कि उसकी कंसिस्टेंसी चेक करना फिर अच्छे से आपके स्क्रीन ऊपर स्प्रेड हो जाए इसलिए उसकी स्प्रेडिबिलिटी अच्छे से वॉश हो जाए उसके लिए उसकी वॉशेबिलिटी देन स्किन इरिटेशन टेस्ट कि आपकी स्किन ऊपर कोई भी टाइप का इरिटेशन नहीं होना चाहिए इसलिए आप नॉर्मल स्किन पे अप्लाई करके उसको उसकी इरिटेशन है या नहीं चेक कर सकते हैं कंसिस्टेंसी विस्कोसिटी के लिए अलग अलग जो विस्कोमीटर लाइक विस्कोमीटर आप यूज कर सकते हो ओके ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर वाइडली यूज होता है इस टाइप के जो सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म होते हैं उसकी विस्कोसिटी चेक करने के लिए जो न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन दोनों टाइप के जो फ्लूड्स uh, होते हैं वो सभी के लिए यूज करते हैं नेट कंटेंट इन ए कंटेनर कि नेट कंटेंट आप एक देख सकते हैं नेट वेट यहाँ पे लिखा है ओके कि टू सिक्स नाइन ग्राम तो उसका नेट वेट वहां पे इतना है या नहीं वो चेक करना जरूरी है देन टेस्ट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ तो वो आप चेक कर सकते हो बाय सिंपल माइक्रोबियल ऐसे ओके कि जो माइक्रोबियल टेक्निक्स आती है कि लाइक स्ट्रीक प्लेट मेथड आती है ओके स्ट्रीक प्लेट मेथड है कि जो कॉलोनिक पॉइंट तो, फॉर्म होती है नहीं वो आप चेक कर सकते हैं देन ऑल्सो बाई यूजिंग द पोअर प्लेट टेक्निक की जो सिंपल जो दो टेक्निक्स हैं तो चेक द माइक्रोबियल ग्रोथ आफ्टर दैट रेंसिडिटी बिकॉज उसके अंदर ऑयल यूज होते हैं ओके फैट यूज होता है वैक्स यूज होता है तो वैक्स तो, तो तीनों की प्रॉपर्टी होती है कि रेंसिडिटी तो रेंसिडिटी चेक करना जरूरी है एंड लास्ट कलर एंड फिजिकल अपियरेंस ऑफ द कोल्ड क्रीम तो उसका आप कलर चेक करोगे फिजिकल अपेयरेंस कैसा है वो सब चेक करोगे ए इवेल्यूशन इवेल्यूशन के बाद जरूरी है जानना उसके मार्केटेड फॉर्मुलेशंस। तो मार्केटेड फॉर्मुलेशंस में पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम बहुत ही फेमस है शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसने पोन्ट्स की मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम यूज नहीं की होगी आफ्टर दैट दूसरे कुछ फेमस ब्रांड है वो है डव आयुर पतंजलि इमामी वगैरह जो है वो फेमस ब्रांड है ऑफ ए कोल्ड क्रीम कि आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम आती है इमामी कोल्ड क्रीम एलोवेरा कोल्ड क्रीम है पतंजलि की कोल्ड क्रीम आती है डाबर गुलाब कोल्ड क्रीम एंड डव कोल्ड क्रीम तो ये सब है उसके फेमस मार्केटेड फॉर्मुलेशंस तो यहाँ पे हमने पढ़ा रिगार्डिंग कॉस्मेटिक इन पार्ट थ्री वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग कोल्ड क्रीम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा पार्ट फोर उसके अंदर हम कवर करेंगे मसाज क्रीम क्रीम, ओके, फाउंडेशन क्रीम बॉडी क्रीम एंड ऑल पर्प क्रीम इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस कॉस्मेटिक प्रिपरेशन पार्ट फॉर सो टिल देन यू कैन ऑल्सो यूज द फार्मर ऑफ सेफ जहाँ पे सॉल्व करिए जीपैट टेस्ट सीरीज फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट ऑन नाइन जीरो टू जीरो